बढ़ाई गई पारिश्रमिक राशि से संतुष्ट न होने के कारण एवं नियमितीकरण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश के कोटवारों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत 29 से 30 जून को होगी, जिसमें कोटवार तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन कर 1 जुलाई को राजधानी में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। उसके बाद 2 जुलाई को इनके द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। कोटवारों का कहना है कि आज़ादी के पूर्व से ही कोटवार पीढ़ी दर पीढ़ी शासन की सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोटवारों के लिए शासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे कोटवार आक्रोशित है। जमीन के नाम पर उन्हें 4 वर्गों में बांट दिया गया है, जो एक बहुत बड़ी विसंगति है। न तो उस जमीन पर खेती करने को सहयोग मिलता है और न ही कोटवारों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दिया जाता है। 1 जून 2017 को घोषणा की गई थी कि कोटवारों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। साल भर हम लोग घूमते रहे, मंत्रालय के चक्कर काटते रहे, निवेदन करते रहे, ध्यान आकर्षण करते रहे, परंतु वो फाइल घूमती रही। और जब चुनाव आयोग ने ये चुनाव डिक्लेयर कर दिया तो आनन फानन में अभी 21 जून को पेपर में छप गया, आदेश तो अभी तक हमको नहीं मिला है, पेपर में ये छप गया कि कोटवारों के पार्षद में वृद्धि की जा रही है और 21 जुलाई से ये लागू होगा। तो ये हमारे साथ छलावा है। यदि आपको देना ही था तो जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिनांक से इस आदेश को लागू करना था, पर 1 साल 3 माह के बाद ये आदेश जो लागू किया जा रहा है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, ये नाम मात्र की पारिश्रमिक हर बार वृद्धि कर जा रही है, 1500 से लेकर के 2250 तक 750 वृद्धि करके कौन सा कोटवारों को बहुत बड़ा इसका भला हो जाए। हम चाहते हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो निर्देश है उसके अनुरूप 18000 न्यूनतम कम से कम सम्मानजनक पारिश्रमिक मिले, तभी ले जा करके कोटवार जो है अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ सक्षम हो पाएगा। तो इन सब बातों को लेकर के आज पूरे कोटवार जो है आक्रोशित है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, कोटवारी नियुक्ति में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जमीन हमको मालगुजारों ने दी थी वो जमीन को सरकार ने वापस छीन ली। हम लोग उच्च न्यायालय की शरण में गए और उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, इसके बावजूद भी सरकार उसको राजस्व अधिकारियों को निर्देश नहीं दे रही है कि जमीन कोटवारों को वापस कर दो। इसके अलावा खुला उल्लंघन हो रहा है, नक्सलाइट क्षेत्र में पुलिस मुखबिरी के नाम से हमारे कोटवार मारे जा रहे हैं, कफन तक देने के लिए शासन के पास पैसा नहीं है, न तो उनके परिवार को किसी को नौकरी दी जा रही है, न कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है। और इस प्रकार से कोटवारों की जमीन को बिना कोटवारों की सहमति लिए, बिना किसी प्रकार से उनका उनको नोटिस दिए अधिग्रहित कर करके सड़क नहर और उद्योगपतियों को बांट दी जा रही है, कोटवारों को उसका मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार से कोटवारों के साथ जो शोषण किया जा रहा है, पूरे कोटवार आक्रोशित है और शासन के इस प्रकार से जो अफसरशाही चल रही है उसका विरोध करने के लिए हमको आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। और हम लोग 29-30 को अपने अपने तहसील स्तर पर धरना देंगे, ज्ञापन सौंपेंगे और 1 जुलाई से पूरे प्रदेश के 16000 कोटवार यहाँ उपस्थित होकर के 2 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।